तो अब आपके प्रश्नोत्तर हैं पाठ के। तो पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो लेखक धोखा खाने के बाद भी इसलिए निराश नहीं है क्योंकि वह जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। उसके साथ विश्वासघात बहुत कम हुआ है। ऐसी भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जब लोगों ने बिना कारण उसकी मदद की हो। प्रश्न दो है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। तो ऐसे लेख एकत्रित करने हैं, मतलब इनमें से कम आपको दो घटनाएं अपनी नोटबुक में लिखनी है जो आपको ऐसी लगी हो, तो आप खुद लिखोगे। और तीसरा प्रश्न भी है कि लेखक के जीवन में जैसे रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई सामने आए, वैसी ही कोई घटना आपको लिखनी है, चाहे वो आपके साथ हुई हो या आपके किसी रिश्तेदार के साथ हुई हो। तो तीसरे प्रश्न में भी आप अपने किसी रिलेटिव के साथ अगर ऐसा हुआ है या आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप वो घटना लिखोगे। और फिर पर्दाफाश का प्रश्न एक और दो, वो आपको अपनी नोटबुक में करना है, मतलब पाठ्य पुस्तक के ये तीन प्रश्न और पर्दाफाश के ये दो प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करना है, बाकी आपको रीड करना है। तो ये पांच प्रश्न आपके इस चैप्टर का वर्क है जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो आज आपका पार्ट 7 कंप्लीट हो गया है।